उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आए दिन प्रदेश में कहीं न कहीं से पुलिस की कारगुजारियों की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला हरदोई का है, जहां वर्दी के नशे में धुत ये पुलिसकर्मी तार तार कर रहा है। पुलिसकर्मी के सिर पर नशा इतना चढ़कर बोल रहा है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और विभाग की इज्जत को बचाने के लिए साथी पुलिसकर्मी उसे वहां से ले जा रहा है। बता दें कि हरदोई जिले में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ होमगार्ड्स की भी तैनाती की जाती है और ट्रैफिक व्यवस्था बिना किसी जाम के दुरुस्त हो, इसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। मगर खेल तो तब हो गया जिनके कंधों पर ट्रैफिक की जिम्मेदारी हो और खुद उन्हें कंधों की जरूरत पड़ जाए तो बात ही अलग होती है। दरअसल वाकया हरदोई शहर की मंडी चौकी, जहां पर लखनऊ चुंगी जैसा बड़ा चौराहा है। हरदोई को राजधानी से जोड़ने वाली इस चुंगी पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान ही शराब पी ली। फिर क्या, शुरू हो गया पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा और खुद ही कंधों पर चढ़कर थाने तक ले जाए गए। हरदोई के इस पुलिसकर्मी के कारण पूरी पुलिस को शर्मसार होना पड़ रहा है। पवन कुमार नाम के इस होमगार्ड ने ड्यूटी पर तैनाती के दौरान ही शराब पीकर ड्रामा शुरू कर दिया, जहां ट्रैफिक दुरुस्त रखना था, जबकि इसके कारण ट्रैफिक में अवरोध खड़ा हो गया। बीच चौराहे पर शराब पीकर ड्रामा कर रहे पुलिसकर्मी को देखकर लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया और शराबी पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शराबी पुलिसकर्मी द्वारा लोहे का ट्रैफिक बैरियर भी बीच सड़क पर पलट दिया गया और राहगीरों से भी अभद्रता करने लगा। जब स्थिति हाथ से छूटने लगी तो साथी पुलिसकर्मियों द्वारा कंधों पर उठाकर शराबी पुलिसकर्मी को किनारे ले जाया गया। काफी देर तक नशे में धुत पुलिसकर्मी का ड्रामा चलने के बाद कोतवाली शहर की पुलिस मौके पर पहुंची और अपने साथ कोतवाली ले गई। वहीं इस मामले में सीओ सिटी विकास जायसवाल का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक होमगार्ड जो कि ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहा था, जिसने ड्यूटी के दौरान ही शराब के नशे में राहगीरों से अभद्रता करने लगा था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना कोतवाली शहर के मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए होमगार्ड पवन कुमार की ड्यूटी लगाई गई थी। सूचना ये प्राप्त हुई कि वो शराब के नशे में पब्लिक के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली शहर की पुलिस उनको अपने साथ ले आई और उनको मेडिकल कराया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।